पीथमपुर के पास महू ग्राम पंचायत भाटखेड़ी के गांव करोदिया में इन दिनों ग्रामीणों में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। हम आपको बताते चलते हैं कि ग्रामीणों का विरोध इसलिए है कि गांव में रहवासी क्षेत्र से ठीक 20 मीटर की दूरी पर कचरा प्लांट बनाया जा रहा है। प्लांट के निर्माण हेतु खुदाई की जा चुकी है। ग्रामीणों के बताए अनुसार अब इस प्लांट में आसपास की सभी पंचायतों का कचरा स्टोर होना है। ऐसे में ग्रामीणों की चिंता यह भी है कि रहवासी क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर जब 10 से अधिक कॉलोनियों का कचरा लाया जाएगा तो इससे फैलने वाली बदबू और गंदगी से ग्रामीण काफ़ी परेशान होंगे। साथ ही ग्रामीणों ने जिस स्थान को कचरा प्लांट के लिए उपयुक्त किया गया है इसके नज़दीक ही पानी की टंकी, पाइपलाइन एवं शमशान होना बताया, जिस कारण इसका विरोध और भी तेज हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि विरोध कचरा प्लांट के होने से नहीं बल्कि ये प्लांट रहवासी क्षेत्र से कुछ और दूरी पर भी लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर पंचायत सरपंच इस मामले से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। ग्राम पंचायत भाटखेड़ी में कई ऐसे भी घोटाले हैं जिसकी पूर्व में जांच हो चुकी है, लेकिन सत्यता पाई जाने के बाद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। कचरा प्लांट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 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 क्या विरोध है, किस तरह का प्लांट? कचरा टंकी में कचरा नहीं होना। अच्छा, तो प्लांट यहाँ पर आ रहा है ऐसा आपको जानने को मिला है? आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? आपका नाम बता दीजिए। नाम कैलाश। क्या विरोध है आप लोगों का? विरोध ये है कि वहाँ शमशान है, पास में पानी की टंकी भी है जी, है तो वहाँ मुर्दा जलाएंगे तो वहाँ कैसे बैठ पाएंगे हम? अच्छा, तो किस कचरे का प्लांट है ये जो बताया जा रहा है? कचरे का प्लांट नहीं चाहिए वहाँ। अच्छा, नहीं चाहिए। आपका नाम बता दीजिए। भगवान सिंह। पास में समझौता घाट है और ये यहाँ पे कचरे का या फिर यहाँ नहीं होगा। ये गांव वाले यहाँ पर जुटकर विरोध? हाँ, गांव वाले हम सब एकता करते हैं, इसके यहाँ नहीं होगा, बाहर बहुत सरकारी जगह, दूर करो। ठीक, आपका नाम बता। तोला राम। ये क्या मामला है कचरा प्लांट का जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? इसका विरोध कर रहे हैं, कोरोना काल ये चल रहा है जी, और इससे बीमारियां और फैलेंगी। हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं, बांस भी मारेगा, अगर कोई मुर्दा अगर जलाएंगे वहाँ तो वहाँ घंटा आधा घंटा बैठ कैसे पाएंगे? वहाँ बैठना ही पड़ता है, इस मारे ये हम तो उसका विरोध करते हैं। रहवासी क्षेत्र से कितनी दूर ये प्लांट आ रहा है? ये मुश्किल से 50 मीटर 20 मीटर 30 मीटर। तो अभी तक आप लोगों ने इसका विरोध कहीं किसी कार्यालय में जाकर के भी किया है? आगे प्लान अभी कहीं गए नहीं, हम तो यहीं, अभी पता ही हमें बाद में चला है ना कि ये ऐसा होने वाला है। अच्छा, तो इसका विरोध आप लोग कहाँ तक करेंगे? इसका विरोध हम आगे तक जाएंगे, भोपाल भी जाना पड़ेगा, सीएम के पास भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद साहिब। ये जो कचरा प्लांट का मामला है ग्राम करोदिया में, क्या मामला है और आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? भैया, कचरा प्लांट जो है इस क्षेत्र में भाटकई पंचायत के 10 से 12 कॉलोनी आ रही है, ये तकरीबन 20,000 की आबादी है, बहुत सारी शासकीय जमीन आगे पड़ी है, गांव और शमशान है, पानी की टंकी उससे दूर हटके बनाए, हम कोई विरोध नहीं करेंगे, गाँव के अंदर नहीं बनाने देंगे, इसका हम पूर्ण जोर विरोध करेंगे। SDM के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, जो भी हमसे बनेगा शांतिपूर्वक आंदोलन। तो आप लोगों ने इस मामले को जब आपको पता चला कि कचरा प्लांट बन रहा है तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या क्या आपको लग रहा है कि नुकसान है इससे आप लोगों को? कचरे से बदबू आएगी, बीमारियां फैलेंगी, पानी की टंकी है, पास में 20 मीटर पे शमशान घाट है, लोग कैसे बैठेंगे, लोगों को परेशानी आएगी, आगे हट के बहुत सारी जमीने हैं। तो आप लोगों ने इसमें सभी गाँव वालों ने सहमति? पूरा गाँव इसका सहमत है और पूरा गाँव सहयोग करेगा। आपका नाम? मैं पूर्व उप सरपंच सिंपो भाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।